तो गाइज आईपीएल 2021 का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर क्यों दिल्ली कैपिटल्स ने स्टीव स्मिथ को खरीदा है, आखिर स्टीव स्मिथ का रोल क्या होगा दिल्ली कैपिटल्स की टीम में। तो इस वीडियो में मैं आपको आईपीएल 2021 के लिए दिल्ली कैपिटल्स की बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 बताऊंगा। मतलब हम स्टीव स्मिथ पे भी नजर डालेंगे कि क्या आखिर उनका कोई रोल है दिल्ली कैपिटल्स की टीम में या नहीं। इसके अलावा मैं ऑलरेडी बहुत सारी टीम्स पे वीडियो बना चुका हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर आपने उनका वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, देख सकते हो। ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो आप क्या कीजिए, बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस शुरुआत करते हैं हम दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर से। तो यहाँ पे एक प्लेयर तो कंफर्म है, शिखर धवन, जो आईपीएल 2020 में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर थे और पूरे सीजन में सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे आफ्टर केएल राहुल। बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, 2 सेंचुरीज भी जड़ी थी। होपफुली इस साल भी अपना फॉर्म कंटिन्यू करेंगे और अच्छा खेलेंगे। पहले 7 मैचेस में इनको कहा जा रहा था कि ये बहुत धीरे खेल रहे हैं, भले ही कंसिस्टेंट है लेकिन बहुत धीरे खेल रहे हैं और ओपनर को थोड़ा तेज खेलना चाहिए, ऐसा बहुत लोगों का मानना था। लेकिन उसके बाद इन्होंने दिखाया कि ये तेज भी खेल सकते हैं, 2 सेंचुरीज जड़ी आखिरी के 7 मैचेस में। लेट्स सी शिखर धवन क्या इस सीजन में भी लास्ट सीजन जैसा फॉर्म कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद दूसरा नाम आता है पृथ्वी शॉ का। अब कुछ लोगों के अकॉर्डिंग इनको नहीं होना चाहिए लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो होना ही चाहिए। बहुत लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं बिकॉज इनका जो परफॉर्मेंस रहा है इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के मैचेस में वो बहुत खराब रहा है। उससे पहले आईपीएल 2020 में भी इनका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा था, जिसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम मार्कस स्टोइनिस से ओपनिंग करा रही थी। लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि मार्कस स्टोइनिस से कराना चाहिए। आप पृथ्वी शॉ को मौका दो तीन। एक टाइम पे कुछ लोग इनको सचिन तेंदुलकर गॉड से कंपेयर कर रहे थे, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। अगर आप कंपेयर कर रहे हो, आप एक प्लेयर से इतना ज्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो, वो अभी इंटरनेशनल में आया भी नहीं, और एकदम से कि हाँ यार ये सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ेगा या सचिन तेंदुलकर जैसा बनेगा, तो मेरे हिसाब से वो उस इंसान की गलती है कि वो इतना जल्दी एक खिलाड़ी से इतना ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है। और उसके बाद जब पृथ्वी शॉ फ्लॉप हुए, देन आप सब देख ही सकते हो कि उनको कितना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से आप इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करिए मत पृथ्वी शॉ से। हाँ ये एक्सपेक्ट करिए कि अच्छा करेंगे, लेकिन सचिन तेंदुलकर से कंपेयर करना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। होपफुली पृथ्वी शॉ को दिल्ली स्टार्टिंग के मैचेस में मौका देगा, अगर ये अच्छा करते हैं तो इन्हीं से ओपनिंग कराओ, अदरवाइज आपके पास अजिंक्य रहाणे का भी ऑप्शन है। इसके बाद बात करते हैं मिडिल ऑर्डर के बारे में। तो नंबर 3 पर आते हैं स्टीव स्मिथ। अब देखो एक तरीका है स्टीव स्मिथ को खिलाने का, वो ये है कि वैसे भी दिल्ली कैपिटल्स नंबर 5 पे एक ओवरसीज प्लेयर को खिला रहा था, सिमरन एटमायर हो गए, एलेक्स कैरी हो गए पिछले सीजन में, तो वो अच्छा कर नहीं पा रहे थे। अब एलेक्स कैरी का परफॉर्मेंस देखो तो वो तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाए थे, सिमरन एटमायर वो भी कुछ खास कर नहीं पाए थे, 1-2 ओवर में कभी कभी बड़े शॉट लगा दे रहे थे, अदरवाइज कोई बहुत अच्छा नॉक उन्होंने खेला नहीं था। तो उनकी जगह पे आप नंबर 3 पर स्टीव स्मिथ को खिला सकते हो और श्रेयस अय्यर को नीचे भेज सकते हो। लेकिन क्या श्रेयस अय्यर इससे एग्री करेंगे, बिकॉज कप्तान खुद श्रेयस अय्यर ही हैं, और क्या श्रेयस अय्यर खुद चाहते हैं नंबर 4 पे बैटिंग करना, बिकॉज श्रेयस अय्यर ने पिछले सीजन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे नंबर 3 पे खेल के, कुछ मैचेस में नंबर 4 पे भी खेले थे। लेकिन मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर ये मान जाएंगे, बिकॉज स्टीव स्मिथ जैसे बल्लेबाज को बेंच करना कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो स्टीव स्मिथ नंबर 3 पे आएंगे, नंबर 4 पे इस टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने पिछले सीजन में 519 रन स्कोर किया है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे। होपफुली इस सीजन भी अपना फॉर्म कंटिन्यू करेंगे नंबर 4 पे खेल के। इसके बाद हम बात करते हैं लोअर ऑर्डर के बारे में। तो देखो मैं तो यही चाहता हूं कि ऋषभ पंत नंबर 4 पे खेले, लेकिन क्योंकि स्टीव स्मिथ को अब दिल्ली ने ले लिया है तो उनको बेंच कर नहीं सकते हैं, उनको नंबर 3 पे खिलाओ, नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर और नंबर 5 पे ऋषभ पंत को आना पड़ेगा, जो अभी बहुत अच्छे फॉर्म में है। आईपीएल 2020 ज़्यादा खास गया नहीं था, लेकिन फाइनल में अच्छा नॉक खेला था अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। इसके बाद इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया था, अभी इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के मैचेस में भी अपना फॉर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं। होपफुली आईपीएल तक अपना फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे, मतलब हम तो यही चाहेंगे कि इनका फॉर्म ऐसे ही बना रहे और ऐसे ही ये इंडिया को जिताते रहें और दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी अच्छा करे। इसके बाद नंबर 6 पर नाम आता है मार्कस स्टोइनिस का। आईपीएल 2020 में अगर मैं बोलूं कि ये दिल्ली कैपिटल्स के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर थे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिकॉज पहले मैच से इनका फॉर्म अच्छा रहा है पिछले सीजन का। पहले मैच से रन बनाना स्कोर किया और रन ही नहीं बनाया, विकेट्स भी लिया। पिछले सीजन में मार्कस स्टोइनिस ने 352 रन से स्कोर किया और 13 विकेट्स भी लिया, जिसके बाद दिल्ली कैपिटल्स ने इनसे ओपनिंग भी कराया, ओपनिंग में ज़्यादा खास नहीं कर पाए, फाइनल में तो पहले ही बॉल पे आउट हो गए थे, लेकिन उससे पहले 30 रन के करीब स्कोर किया था।
ठीक ठाक मतलब बहुत अच्छा गया था आईपीएल का सीजन, एज अ ओपनर ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए थे। होपफुली इनको नंबर 6 पर ही खिलाया जाए, जब भी दिल्ली का मतलब कोलैप्स हो जाए तो इनको ऊपर भेजा जाए और ये अच्छा परफॉर्म करे। इसके अलावा गेंदबाजी से तो ये अच्छा करते ही हैं। बिग बैश लीग में इनका फॉर्म इस साल अच्छा रहा था, मेलबर्न स्टार्स के लिए ओपनिंग कर रहे थे और अच्छा कर रहे थे। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि इंडिया में मार्कस टोइनी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। होपफुली इस बार इंडिया में आईपीएल अगर होता है तो वहाँ पे मार्कस टोइनी अच्छा परफॉर्म करे। इसके बाद नंबर 7 पे नाम आता है अक्षर पटेल का। अब सीएसके वाला तो मैच यार सबको याद है, उसको हटाओ। उसके अलावा भी अक्षर पटेल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पिछले सीजन में, 117 रन स्कोर किया था। बैटिंग के लिए अब ज़्यादा जानते नहीं अक्षर पटेल को, लेकिन फिर भी ऑलराउंडर है, विकेट्स 9 लिए थे और मतलब इकॉनमी कम थी। अच्छे प्लेयर हैं, नंबर 7 पे बल्लेबाजी भी प्रोवाइड करते हैं, गेंदबाजी भी प्रोवाइड करते हैं, 4 ओवर निकाल देते हैं। अभी की बात करें तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैचेस में 5 विकेट हॉल भी कंप्लीट किया। होपफुली अपने फॉर्म को आईपीएल तक कंटिन्यू करें और मतलब आईपीएल में भी गेंदबाजी से भी अच्छे करें और बल्लेबाजी से भी अच्छा करें। इसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर्स के बारे में। तो नंबर 8 पे रविचंद्रन अश्विन। अब बल्लेबाजी ये कर सकते हैं, हम सबको भी पता है इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के मैचेस में सेंचुरी लगा दी है इन्होंने, तो बल्लेबाजी ये बिल्कुल कर सकते हैं। इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के मैचेस में भी हमने देखा बल्लेबाजी अच्छी की थी थर्ड टेस्ट में। और गेंदबाजी के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, आईपीएल का याद होगा आपको लास्ट सीजन का, 2 बॉल पे लगातार 2 विकेट इन्होंने लिया था लेकिन उसके बाद इंजर्ड हो गए थे, लेकिन फिर वापसी किया और 13 विकेट लिया था पिछले सीजन में, लेकिन मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस सीजन में 20 विकेट के करीब ले होपफुली। इसके बाद नंबर 9 पर ककीस हो रहा बड़ा, पिछले साल के पर्पल कैप विनर। अब आप सबको मैं मतलब बहुत बार बता चुका हूँ कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैचेस है आईपीएल के स्टार्ट में, तो पॉसिबली ककीसो राबड़ा अवेलेबल नहीं होंगे स्टार्टिंग के मैचेस में, इनिशियल मैचेस में। जो भी होता है वो बात का बात है, लेकिन अगर ये अवेलेबल होते हैं तो फोर श्योर इनको दिल्ली कैपिटल्स अपने प्लेइंग 11 में रखेगा, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। इसके बाद नंबर 10 पे हेनरिक नॉर्थजे, ये भी साउथ अफ्रीका के ही हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। तो अगर ककीसो राबड़ा जाते हैं तो आपको हेनरिक नॉर्थजे भी मतलब अवेलेबल नहीं होंगे मोस्ट प्रोबेबली, अगर ककीसो राबड़ा नहीं होते तो दिल्ली कैपिटल्स को इससे बहुत घाटा तो होगा, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के पास ऑप्शन भी है। क्रिस वोक्स का हो गया, टॉम करन का हो गया, लुकमान मेरी वाला, उमेश यादव, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर ये जाते हैं तो उनकी जगह पे ये खिलाड़ी हमें खेलते हुए दिख सकते हैं। इसके बाद नंबर 11 पर ईशान शर्मा, पिछले सीजन इंजर्ड हो गए थे लेकिन अभी पूरी तरह से फिट हो चुके हैं, इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के मैचेस में हमें देखने को मिल रहे हैं और अच्छे फॉर्म में भी हैं, और मतलब अब T20 के गेंदबाज भी अपने आप को बना चुके हैं। पहले हम देखते थे कि उमेश यादव टेस्ट में तो हमेशा से उमेश यादव अच्छा करते हैं, लेकिन T20 में मतलब इनकी पिटाई होती थी पहले, अभी आप देखो तो इन्होंने अपना परफॉर्मेंस सुधारा है। पॉसिबली ये इंडिया के T20 स्क्वाड में भी अपना जगह बना सकते हैं, लेट्स सी वो होता है या नहीं, लेकिन फोर श्योर दिल्ली कैपिटल्स के प्लेइंग 11 में हमें देखने को मिलेंगे और इनका एक अच्छा रिप्लेसमेंट है उमेश यादव के रूप में, लेकिन फोर श्योर पहले तो ईशान शर्मा को ही मौका दिया जाएगा। तो गाइस ये है आईपीएल 2021 के लिए दिल्ली कैपिटल्स की बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11। अब कुछ रिप्लेसमेंट के नाम भी जैसा मैंने आपको बताया, रहाणे हो गए, पृथ्वी शॉ के, ईशान शर्मा के, उमेश यादव हो गए, लुकमान मेरी वाला, इसके अलावा ककीसो राबड़ा, हेनरिक नॉर्थजे के रिप्लेसमेंट क्रिस वोक्स हो गए, मार्कस टोनिस के रिप्लेसमेंट टॉम करन हो गए। तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम बहुत स्ट्रांग दिख रही है और रिप्लेसमेंट भी अच्छे हैं। अब आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ अगर आप मेरे प्लेइंग 11 से एग्री करते हो तो, नहीं करते हो तो क्यों नहीं करते हो, आखिर मैंने वो कौन सा प्लेयर है जिसको पिक नहीं किया, वो भी कमेंट्स में लिखकर बताओ। और अभी के लिए बस यही थे वीडियो, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसे लगे आपको, अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि मैं जैसे अगली वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।